कल रात बीच से आने के बाद हम लोग सीधा फ्लैट हो गए। मैं थोड़ा बहुत लैपटॉप पे कुछ काम किया, कुछ डेटा वेटा ट्रांसफर किया, एक वीडियो भी एडिट किया मैंने। और स्नेहा भी सो गई थी लगभग 9 साढ़े 9 के अराउंड में, और मैं भी सो गया था 10 बजे। नाउ इट्स 5 और हम लोग निकल रहे हैं जगन्नाथपुरी टेम्पल के लिए। हम लोग सब चीज़ यहीं छोड़ रहे हैं, ना मोबाइल लेके जा रहे हैं ना बाइक लेके जा रहे हैं। वॉक करके अगर कोई ऑटो वाटो मिला तो वो लेके जा रहे हैं, और कुछ पैसे बस लेके जा रहे हैं। वॉलेट भी यहीं छोड़ दूँ क्या? हाँ, वैसे भी मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, तो मोबाइल फोन लेके वहां जाके क्या फायदा। और हमारा क्या है, हम लोग बस मंदिर घूमेंगे और वापस आ जाएंगे, क्योंकि आज फिर यहाँ से निकलना है। सतपाड़ा के लिए जाना है, जहाँ पे चिल्का लेक है वहां जाना है। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बाइकिंग सोलो। आई एम गुड एंड होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। कल हमने डिनर भी नहीं किया था, क्योंकि बीच पे ही थोड़े मोटे स्नैक्स खा लिए थे, भूख नहीं लगा था, और बहुत दिनों से मतलब पेट भर भर के दवा दवा के खा रहे थे। तो मैं बोला चलो एक दिन रेस्ट देते हैं, पेट को दर्शन कर लेते हैं, फिर देखेंगे वहीं पे कहीं अगर ब्रेकफास्ट का कुछ अच्छा ऑप्शन मिला तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और होटल में आने के बाद सिर्फ सामान पैकिंग रहेगा और यहाँ से निकल जाएंगे चिल्का लेक के लिए। जितना सुबह दर्शन हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी अच्छा है। मतलब इस मौसम में भी, विंटर के मौसम में भी यहाँ पे गर्मी अच्छा है। सुबह शाम मौसम अच्छा रहता है, जैसे ही दोपहर होता है मतलब गर्मी एकदम फुल टूस है। और राइडिंग जैकेट और राइडिंग गियर्स में तो मतलब बदहाल हो जाता हूँ। और कोणार्क टेम्पल पे तो मतलब पूरा टी शर्ट गीला हो गया था। स्नेहा भी तैयार है, स्नेहा ने यही ड्रेस लिया था अपना भुवनेश्वर के मार्केट से, और मैंने अपना टी शर्ट लॉन्ड्री करवा लिया था भुवनेश्वर के होटल में। तो मेरे पास तो 3-4 टी शर्ट है अभी के लिए। उसके बाद पुरी में कुछ काम है नहीं हमारा, हमने पुरी बीच कल ही कवर कर लिया था। तो बस एक मंदिर रह गया है, जो कि आज सुबह दर्शन कर लेते हैं। अभी जस्ट हम लोग मंदिर से आए हैं, होटल का जो रेस्टोरेंट है उसमें बैठे हुए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और दर्शन बहुत ही अच्छे से हुआ। क्या सुने, दर्शन अच्छे से हुआ कि नहीं? टाइम लगा क्योंकि बहुत क्यूट है। हम लोग सोचे थे कि 5 बजे भीड़ नहीं होगा, लेकिन 5 बजे भी वहाँ भीड़ रहता है। एक्चुअली दर्शन जो शुरू होता है वो 6 बजे से होता है। हम लोग 5 बजे पहुँचे थे, 5 बजे पहुँचे उसके बाद, नहीं हम लोग 5 बजे यहाँ से चले थे, और पैदल यहाँ से वॉक करके 5:15 में हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, 1 किलोमीटर था, तो हम, और मौसम बहुत अच्छा था, हल्का हल्का ठंड लग रहा था। हमने बोला कि चलो वॉक कर लेते हैं, एकदम मस्त मज़ा आ जाएगा। वॉक करके गए, 5:15 में हम लोग क्यू में थे। 5:15 से लेके 6 बजे तक हम लोग अप्रॉक्सीमेटली क्यू में रहे, और उसके बाद 6 बजे के बाद क्यू खुला। मतलब वो बैरिकेडिंग रहता है वहाँ पे, सब लोग क्यू में आ जाते हैं लेकिन वो बैरिकेड नहीं खुलता है कि आप अंदर जा सको। 6 बजे वो बैरिकेड हटा, सब लोग अंदर गए, और फिर हम लोग को 7 बजे के राउंड में मस्त अच्छे से, 7 बजे नहीं उससे पहले ही ना, 7:45 के राउंड में मस्त अच्छे से दर्शन हुआ। एकदम सामने में पूरा भगवान का एकदम वो आरती हो रहा था, मंगल आरती जो होता है सुबह 5 से लेके 7 के बीच में, वो आरती हो रहा था। और फिर वहाँ से बाकी सारा टेम्पल घूम के, मतलब 2-3 और टेम्पल मेन है, एक लक्ष्मी मंदिर है, माँ विमला मंदिर है, ऐसे ही 2-3 मंदिर और था, घूमे। मंदिर के बाहर आए, जूता कलेक्ट किया, और सबसे बड़ी बात है फ़ोन अलाउड नहीं था, तो ये बहुत अच्छा हम लोगों ने किया था कि फ़ोन हम लोग रूम पे ही छोड़ के गए थे, तो कोई टेंशन ही नहीं था। सिर्फ हमें जूता वहाँ पे जूते स्टैंड में देना था। अगर आप फोन लेके आते हो तो आपको वहाँ पे स्टैंड पे रखना पड़ेगा। फाइनली निकल गए, बहुत गर्मी है, बर्दाश्त से बाहर है। बस 3 पैनियर्स डालने में पूरा पसीना पसीना हो गया। पैनियर्स डालने के बाद 5 मिनट वेट किया पसीना सूखने का, और उसके बाद जब हेलमेट और जैकेट पहना, ग्लव्स पहना, फिर से वही पसीना पूरा एकदम। अभी सबसे पहला काम है इसको फ्यूल अप करवाना है, तो पास में अगर कोई पेट्रोल पंप मिलता है तो उसमें फ्यूल अप करवाते हैं इसको, या फिर सिटी से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि रेंज अभी 70 किलोमीटर का दिखा रहा है, तो सिटी से बाहर निकल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बाइक चल रहा है तब थोड़ा ठंडा हवा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। बहुत गर्मी है, मतलब दिसंबर के टाइम में इतना गर्मी है, कौन से टाइम में पूरी में कोई आएगा, कौन से टाइम है पूरी के लिए, जबकि पूरी का टाइम है सब लोग कहते हैं अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक। तो अब मुझे लग रहा है कि जो लोग समर में आते हैं, जो फेस्टिवल पूरी फेस्टिवल होता है समर में, मई से लेके जून जुलाई तक कुछ जो रहता है, उसमें तो लोग यार जल जाते होंगे। कहाँ जाना है अंकल, आप जाओ। एवरेस्ट का भी पेट फुल कर दिया है, अब कोई टेंशन नहीं है। बहुत देर से देख रहा था, पेट्रोल पंप मिल ही नहीं रहा था। जैसे ही पूरी से निकला मुझे लगा कि आगे मिल जाएगा ना, आगे बहुत जगह बॉटल में बेच रहा था। मैं तो वही सोच रहा था कि भाई इस बार भी बॉटल से ही पेट्रोल लेना पड़ेगा, लेकिन फाइनली एक पेट्रोल पंप दिखा। भाई मैं भी सोच रहा था ऐसा हो ही नहीं सकता कि 40-50 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप ना दिखे। ऐसे एक बार हुआ है,
लेकिन वो बहुत ही रिमोट एरिया था। तो अब टैंक फुल, रेंज 500 प्लस का आ रहा होगा और कल के लिए भी मुझे लग रहा है अब भरवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बैंगलोर के लिए निकला तो वही सोच रहा हूँ क्या करूँ, देखता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ तक ही मेरा बुकिंग था, इसके आगे का बुकिंग नहीं है। प्लान तो था लेकिन अब डेज शॉर्ट पड़ रहा है। फाइनली हम लोगों ने रूम चेक इन कर लिया है सतपारा में। यह हमारा रिजॉर्ट है, ओम लेजर रिजॉर्ट, रोड के जस्ट बगल में ही है। बोटिंग सेंटर जो है यहाँ से सिर्फ 300 मीटर पे है और बोटिंग वाले से भी बात कर लिया, रिजॉर्ट वाले ने ही एक नंबर दिया था और बोटिंग वाले से हम लोगों ने बात करके फाइनल कर लिया है। तो आदमी का 2000 रुपीज। राइट नाउ क्या टाइम हो रहा है, मैं तो घड़ी खोल लिया। राइट नाउ इट्स 12:23 और आधे घंटे में बस यहाँ से निकलते हैं, आधे घंटे में फ्रेशअप होते हैं। तक राइडिंग गियर्स कुछ हटाया नहीं है, पूरा पसीने से हालत ख़राब है क्योंकि गर्मी बहुत अलग लेवल का है हम लोगों के लिए। जो बैंगलोर से आते हैं उनको ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, उनको ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, एक अलग लेवल का गर्मी है यहाँ पे। यहाँ पे बस एसी है, एसी ऑन किया हूँ, एसी के सामने खड़ा हूँ इसीलिए, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रहा है कि बेड पे बैठ। और ये रिजॉर्ट भी ठीक है, एवरेज है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑन द स्पॉट बुक कर रहे हैं तो थोड़ा स्टे के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। और जस्ट इसके पीछे ना चिल्का लेक है, जस्ट इसके पीछे। और लंच मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, पानी वानी का बॉटल और जूस वूस कुछ पी लेते हैं, लंच स्किप करते हैं और पीछे जो है व्यू है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। एकदम सही व्यू है यहाँ से, पूरा चिल्का लेक है। यहाँ से ही हमें लेके जाएगा वो जो बोटिंग पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से वो बोटिंग पॉइंट है, यहाँ से हमें लेके जाएगा और 3 घंटा घुमाने के बाद हमें वापस छोड़ देगा। 3 घंटे का बोटिंग है तो आई थिंक 1 बजे चलेंगे तो मुझे लगता है 4 बजे तक हो जाएगा। शाम में ही ज्यादा डॉल्फिन्स दिखते हैं, भीतर कनिका की तरह लक अच्छा रहा तो दिख जाएगा, नहीं तो नहीं अच्छा रहा तो नहीं दिखेगा। वैसे शाम में ही डॉल्फिन्स ज्यादा दिखते हैं तो 1:30 के राउंड निकलेंगे, 4:30 के राउंड में वापस रैप अप करके आ जाएंगे। आने के बाद थोड़ा डिनर कर लेंगे और फिर प्लान करेंगे क्या करना है, क्योंकि यहीं तक का प्लानिंग था, इसके आगे का प्लानिंग नहीं है। अब और घूमना है उड़ीसा में या फिर यहाँ से वापस निकलना है, क्योंकि आज कितना तारीख है, 27 हो चुका है, कल चेकआउट करेंगे 28 रहेगा। 2 तारीख से मेरा ऑफिस है, स्नेहा का ऑफिस है, तो वो तो स्किप नहीं कर सकते, तो सिर्फ हमारे पास 28, 29, 30, 31 4 दिन है वापस बेंगलोर पहुंचने के लिए। उसमें 2 दिन तो पक्का ट्रैवलिंग लगेगा, 1 दिन वहां पे स्टे लगेगा, तो सिर्फ हमारे पास 1 दिन है और उड़ीसा को एक्सप्लोर करने के लिए। अब वो प्लान करते हैं, या तो उड़ीसा को एक्सप्लोर करेंगे 1 दिन के लिए कहीं और, या फिर वापस बैक टू नॉट ये बैंगलोर।